और मेरे प्यारे भाइयों, वी आर बैक, वेलकम बैक बॉयज, वेलकम बैक। एक और नया दिन, ऑफकोर्स एक और नया वीडियो। तो आज का गेम प्ले पूरा बूम बूम रहने वाला, देखने में मजा आएगा। और आज का गेम प्ले हो या वीडियो, जिसने भी थोड़ा भी स्किप किया तो भाई समझ लेना आप हो, आपकी बंडी हो, दोनों का ब्रेकअप करवा लूँगा मैं, ये भी लिख तो दे रहा हूँ। और वैसे भी मैं सोच आज का वीडियो पूरा देख लीजिए, इतना बड़ा बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि आप आज की वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, समझ लो है ना। वैसे ही बात करें अपने लैंक की, जो कि कराओ नहीं है भाई, कॉन्कर जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे हम। और सीधा आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो कि आज का ही है वीडियो का। तो मैं सर आज BGMI का नोटिस आया था, जो कि हफ्ते में एक बार आता रहता है, और तो मैं भाई एक वीडियो बनाता रहता है, तो वही काम है मुझे आपको नोटिस दिखाना, पढ़ के सुनाना, जो कि पढ़ना नहीं आता आपको, सीधा बताता हूँ मेन मुद्दा। क्योंकि BGMI फिर से दावा करता है कि उन्होंने 7 दिन में 51,000 के ऊपर हैकर बैंक कर लिया है, वो भी 10 साल के लिए। सीधा सही में बैंक किया है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और वैसे भी BGMI ने बैंक किया हो ना किया हो, वैसे भी आज मेरे मैच में हैकर 2-3 बैन हो रहे थे, और वैसे भी आज उतने हैकर मिले नहीं मुझे, इसलिए तुम्हें भाई थोड़ा बहुत खुश है, समझ लो ना आप, थोड़ा बहुत खुश है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। जब हैदर ग्राउंड मोबाइल इंडिया बन जाएगा तब मज़ा आएगा, जितने भी बंडे होंगे सब लेजिट होंगे, तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी तो गलत सीन चल रहा कोई ना। और वैसे ही बात करें आयुष हैक, जो कि गेम प्ले में होगा, अभी नहीं होगा, आगे चले रुकने का नहीं अभी। कि आपने भी बस सोलो खेला है 2 मैच, क्या आपके मैच में भी हैकर वगैरह बैन हुए तो वह बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मालूम चल जाएगा अपने को। वैसे भी BGMI दावा करता रहता है हर बार, हफ्ते में करता है 50,000 बैन कर लिया, कभी भी मैच में हैकर आते हैं, आज उतनी मिले नहीं, इसलिए तो भाई थोड़ा बहुत खुश है, ये दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं। तो सीधा आता हूँ पॉइंट पे, जो कि गेम प्ले है आज का। उमेश सोराज का वीडियो पूरा देखे, अभी भी तीसरे जोन में 40+ मतलब 40 के ऊपर बंडे अलाए हुए हैं, मतलब 80 का सिलो अभी आई हुए, अभी तुम्हारा भाई क्राउन एक हो चुका है, आज ये लगा रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी रैंक बता दो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, जो कि आपने भी देख लिया होगा, जिसमें मैं उतना ध्यान दिया नहीं था अभी मैच खेलते समय, वॉइस ओवर करते सब मतलब समझ लो ना, वॉइस ओवर करता हूँ ना तो सब दिखाई देता है कहाँ कौन था, ये जब गेम देखता हूँ ना खेलता हूँ तो कोई दिखाई देता नहीं। वैसे भी बात करें इसके गेम प्ले के ऊपर, जो कि मेन पॉइंट है अपना टाइटल थंबनेल पर वही लिखा है iOS 0, इसका मतलब क्या है भाई, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है मैं, किसी का वीडियो देखा नहीं अभी तक। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, प्यारे भाई लोग हैं, अपने चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अपने लाइक किया होगा तो नहीं किया होगा वो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार कमेंट में बताओ मुझे, कमेंट में बताओ एक बार उसका सीन क्या है, मैं आपका कमेंट देखूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एक, और आपको साउथ आउट भी दूंगा, बिग साउथ आउट जैसे भाई। और जो भी भाई लोग, जो भी भाई हो, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ बताओ मुझे उसके ऊपर क्या सीन है, मुझे आपका कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा, इतना इंतज़ार तो मैंने किसी के लिए भी नहीं किया जितना इंतज़ार आपका कमेंट का कर लूँ भाई, कमेंट कर लो एक बार। और सीधा पढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर, जो कि तुम्हारा भाई आके रुका हुआ था बीच में, और यहाँ मैं देख रहा था कोई बंडा आएगा तो पहला जाएगा, नहीं आएगा तो हम ही पहले जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा देर वेट करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ, अभी दिखाई देता है भाई जो कि सोया हुआ है भाई मेरे भाई, इसके साथ हुआ क्या था भाई, कोई मुझे बताएगा नहीं, ये गलत सीन क्या है भाई, ये भाई मतलब क्या कर रहा है उधर वो क्या कर रहा है उधर, उसके उस पर मतलब समझ लो ना, उस पर ना एमओ करने धो रहा है, तो भाई यहाँ पे नेट भी कर रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला उसको भाई को, कुछ भी नहीं मतलब समझ, ये देखो अरे मुझे गेम करते हुए इतना मतलब समझ लिया ना, गुस्सा आ रहा था फत कूने ला, तो भाई अभी एक भी पूरा बूम बूम कर लेगा भाई की, लेकिन बंडे को कुछ हो ही नहीं रहा अरे इसको बोलते हैं iOS 0 हैक जो कि कितना घटिया हैक अरे यहाँ पे क्या हुआ, अब देख आपने देखा होगा, हम चले गए यहाँ पे क्या हुआ, वो बनते हैं ग्लिच हुआ था। अरे मुझे इस पर बात भी नहीं करना इस टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे देखना भी बंद कर दिया हमें और इसका हिल चल भी कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हिल भी रहा है वो, क्या पता ये BGMI का नशे है ये मेरे डिवाइस के नशे हैं, कोई ना। तो अगला जोन शिफ्ट हो जाएगा, हम सीधा जाएंगे फाइट लेने अभी, क्योंकि जोन अपने से दूर जाएगा, ऑफकोर्स हमेशा जीते रहा, तो जाएंगे हम ये 2 किल चलाएंगे किसी का,
सामने पारी में फाइट हो रहा था, बंदी मतलब फाइट वगैरह कर रहे थे, ड्रॉप था तो ऑफकोर्स फाइट होता ही है ड्रॉप के लिए, लालच बुरी बुरा है फिर भी फाइट होता है ड्रॉप के लिए, सभी को मालूम है, फिर भी जाके बंदे फाइट करते हैं मर जाते हैं। तो मैं भाई थी करा, मैं भी पेटी बन जाती अपनी भी ऐसा ही, तो मुझे कोई दिखाई दिया नहीं बराबर, स्मोक में हुआ था आजू बाजू में पूरा धुआं धुआं मैच था, अभी आधे मतलब फायर हो रहा था तो मैं गया तो मुझे भाई की स्पॉट हो गया आराम से, भाई को आराम से पेटी बना दिया भाई का। चलो भाई ओपी अलवेज या चलो भाई ड्राइविंग ओपी आपको क्या लगता है जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। तो पूरा धुआं धुआं मैच था, जो कि अमावस्या पूर्णिमा तरह आता ही मैच में कभी कभी, और खेल लिया तो भाई ये भी मौसम खेला करो, आपको सिर्फ हला हरा मतलब समझ लो ना है, ये भी मौसम खेलने का। देखो अभी क्या हुआ, मौसम पूरा धुआं धुआं हो गया, धुआं ही निकल गया, तो सब मोड़ खेलने का बीजे माए का, तो सामने धुआं हुआ था मतलब स्मोक हुआ था, अभी धुआं नहीं हुआ था, अभी स्मोक हुआ था, तो यहाँ पर मैं आराम से अपनी बगी कवर में लगा रहा था, कोई बंदा अपने को फायर वगैरह ना ले ले, और बाजू में बंदा ऑम वगैरह चला रहे थे पूरा बुमन, सामने स्मोक हुआ था शायद शैक वगैरह में, मतलब जोन भी अपने जोन में कोने में थे तो बहुत सारे लॉन्डे अभी रोटेशन वगैरह लेंगे, तो मैं भाई आके लुका हुआ था, सामने फाइट वगैरह हो रही थी, तो भाई अपने ऊपर ही फायर ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे तो भाई नॉन इवेंट का गेम प्ले है, इसमें शील्ड खड़ा करो ऐसा कोई टेंशन आता नहीं, तो भाई अपने बहुत ज़्यादा फायर ले रहे थे भाई, मतलब पूरा बूम बम कर रहे थे, अपना बगिया था पूरा बूम कर लिया भाई ने, भाई को भी देखो कैसे पेलते हैं अभी, गोरोजा को मैं शीशे से लगा के, क्योंकि वाई नॉट, गोरोजा इज पावरफुल, भाई को मुझे पाव दिखाई दिया, अरे सामने और भाई बहुत होशियार थे, कोई पाव पे गोली मारे तो सीधा हेड दिखाने का, तो यहाँ पे बगी लगा के भाई आ गए थे, क्योंकि ऊपर मुझे ऑफकोर्स क्रोज में फाइट लेना नहीं था क्योंकि मेरा डिवाइस लैग होता है, सामने भाई दिखाई दिए जो कि अभी आए ही थे, तो भाई को मैंने इजीली पेल लिया, आपको स्प्रे कैसा लगा, ऑफकोर्स बढ़िया लगा नहीं होगा तो फिर भी कोई ना, तो हम जाएंगे हम पोजिशन ले लेंगे भाई की, और भाई थोड़ा बहुत लूट भी उठा लेंगे, क्योंकि लूट भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी तो भाई आराम से लूट उठाएगा भाई का, और भाई के पास बढ़िया लूट थी, लास्ट जोन में सभी के पास लूट होती है अच्छी खासी, तो यहाँ पे पीछे वगैरह बंदे वगैरह थे, तो भाई अपने को फायर भी ले रहे थे, तो मुझे दिखाई दिया भाई सामने जो कि नागिन बने हुए थे, तो पहले मतलब फायर वगैरह चारों तरफ हो रहा था अच्छी खासी लॉबी थी, तो मैं तो भाई पहले स्मोक किया, क्योंकि स्मोक किया करो भाई, स्मोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाई मतलब क्या ही कर रहे थे भाई, सल्लू भाई के मतलब बाप निकले ये, क्योंकि भाई कौन करता है भाई लास्ट जोन में, भाई बाइक कौन चलाता है, तुम्हें सामने दिखाई दिया नागिन जिनका मतलब किसी और भाई ने किल चला लिया, भाई को भी पेलेंगे देखो कैसे, तो यहाँ पे जो भी बंदा बोलता होगा किशन भाई आपका स्प्रे कितना घर किया है कितना खर तरह से, तो बताओ स्प्रे वगैरह कुछ हाँकता नहीं, मेरा दिवस हाँक देता है, इस समय मेरा दिवस बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, गर्मी का मौसम है और वैसे भी अगला जो अपने पास था नहीं, अभी जोन भी स्टार्ट होने वाला था, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत एमओ वगैरह लूट रहा था, स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट जोन में, तो यार तो पोजीशन नहीं करेंगे, देखो कैसे नहीं करेंगे पोजीशन पूरा बूम बम, हमेशा जीते रहा, तुम भाई आ गया जोन के कोने में, तो मुझे भाई दिखाई दिए सामने, ओ झाड़ियों में एडजस्ट या पट्टियों में एडजस्ट जो भी बोले, तो भाई को हमने इजली पे लिया, क्योंकि भाई मतलब समझ लो ना आराम से, तुम्हारा भाई ने लेजर पे दिया, अलोशी भाई अपने बिजली दिखाई दे रही है पूरा, अलोशी भी थोड़ा बहुत मॉर्निंग का गेम प्ले है 10-11 बजे का, इसलिए थोड़ा हैकर का बूम बम लगता है, तो सामने मुझे दिखाई दिए क्योंकि बग्गी बहुत ज्यादा घुमाएंगे, देखो भाई ये कैसे पेलते हैं, कितने एमो खाएगा भाई, कहाँ जाएगा भाई, तो भाई को नाना बोलते बोलते भाई को दो ही एमो करने दो, जो कि चलो अच्छा खासा है कोई दिक्कत नहीं, तो सामने भाई बगी लेके गए, भाई ने बगी लगा भी दिया शायद थोक भी दिया, उन्होंने मुझे भाई दिखाई दिए, जिनको भाई को यूएमपी से ऑफकोर्स पहला गया, तो मुझे लग ही रहा था वो भाई आएंगे यूएमपी वाले, और वो आगे भी आए, और यहाँ पे तुम भाई मतलब खड़े होकर स्प्रे दिया, बैठा भी नहीं, बैठता तो थोड़ा स्प्रे लेते जाता है, खड़े खड़े तुम भाई ने जो स्प्रे दिया है ना तो देखने लायक था, तो मैं श्योर अभी लाइक कर देना, यहाँ से देख लिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जब सपोर्ट करते हो ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अंदर से बाहर से भी सबकी ओर से, तो अभी मतलब तीन बंदे अलग थे शिल्प जो कि मुझे सामने भाई दिखाई दिए, देख रहे हो ना मैं बोला था जब मैं बैठते स्प्रे था तो ले जाता है, तो अभी सिचुएशन था 1v1 fight था जो कि मुझे सामने दिखाई दिए, बियाली मोरो भाई जिनको जाके तुम्हारा भाई क्रोज में फाइट लेने का सोचेगा, क्योंकि वो भाई जोन में था, तुम्हारा भाई जोन में नहीं था, तो अपने जोन में जाना ही था, तुम्हारा भाई हमें बूस्टर वगैरह पूरा बूम कर लेके
जाएगा भाई के क्रोध में फाइट लेगा, जो कि अभी आप इंजॉय करो जो होने वाला है। लेट्स गो बॉयज, वन वन फाइट बॉयज। अरे भाई ने एक हेर मार लिया अपने को, और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने हक दिया, पूरा हक दिया, दोबारा से हक दिया। अब कितना आगेगा, भाग के खा भी लिया। कोई ना किसी ने नहीं देखा, यहाँ का कोई देखा नहीं वीडियो, वैसे और किसी ने नहीं देखा, तो फाइनली कोई नहीं देखा वीडियो। वैसे भी तो भाई तो अच्छा खासा प्राइज मिल गया, और सामने वो भाई ने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत ही बढ़िया। जब मैं मतलब बगीचा आया तो भाई ने सीधा एक हेड मार लिया, तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हो गया था थोड़ा। चलो कोई ना, सामने भाई ने बढ़िया खेला तो लिख दो एक बार सामने भाई ओपी, और मिलते हैं कल ऐसे बढ़िया गेम प्ले लेके। तो थैंक यू लव एंड सपोर्ट आपका, बाय बाय, लेट्स गो। हाँ हेलो, क्या हुआ, हैक नहीं मिलेगा? अरे मेरे पास रियल मी सी से भाई, आयुष हैक, जीरो हैक लेके क्या करूँ मैं, दूसरा हैक भेजे, वो वाला, ओ ओ।